गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू क्लीन आर फ्यू ऑफ द थिंग्स व्हिच आर एग्जिस्ट इन आर डेटाबेस सो वी कैन लाइक सेव द fresh images or fresh data inside your MongoDB because there are a lot of testing data inside your products and categories, so it makes little bit weird, so we have to remove these items from our database. So yes, I don't think can we select multiple items if possible? Apart from that, one more thing for you guys, for your like better understanding, or you can learn with your own. I'm giving you some topic, a single topic. So and giving you some little bit explanation of it. What is the importance of the thing which we are going to introduce, and it like it makes your resume a little bit more better, because these are the things which are used rapidly in our current projects. And the thing is, what we have something called AWS S3 bucket. So just write this topic. I'm going to write here. Just read it. AWS S3 bucket. So it is basically used by the developers to handle their videos, their images, text and videos inside AWS Cloud. So AWS S3 bucket helps you to
handle or stool, you can say handle or something like stool. Their images, text, and videos inside a cloud. So you can any one from you or जो भी चाहता है वो प्लीज इंटीग्रेट. सो इंटीग्रेट एनी वीडियो प्लेयर इन द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड हैंडल इट विथ AWS S3 बकेट. सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें बैकएंड पे AWS थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और फिर तुम्हें बैकएंड के कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करने होंगे, AWS के कॉन्फ़िगरेशन सेट करने होंगे एंड देन कॉन्फ़िगरेशन सेट एंड देन यू कैन यूज समथिंग लाइक फायरबेस. जैसे फायरबेस यूज करते हो ना, तो फायरबेस को इनिट करते हो, इनिशियलाइज करते हो, वैसे तुम AWS की कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के बाद यू कैन यूज द AWS S3 बकेट. तो और ये चीजें इट हेल्प्स योर रिज्यूमे लाइक बहुत बेस्ट बना देगा. एक बार अगर देखा जाए AWS S3 बकेट तो ये है Amazon S3 क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज. और दिस इज द पार्ट यू आर नॉट गोइंग टू लाइक डीप एंड अंडरस्टैंड ऑल द AWS कॉन्सेप्ट, बट AWS S3 इज समथिंग व्हिच डेवलपर्स लाइक हैव टू नो बिकॉज दीज आर द समथिंग व्हिच इज वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स एंड इन current projects it is widely used in every project. So Amazon S3 you can read it and just understand how it works, go through documentation. If you're not building anything, just go through the documentation and what are the benefit of using Amazon S3, just go and understand. Does it make sense? Guys, आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको 5 GB फ्री मिलता है स्टोरेज. सो यू कैन यूटिलाइज दिस 5 GB स्टोरेज ऑन द S3 क्लाउड. सो इट इज समथिंग विच इज वेरी वाइडली यूज इनसाइड द प्रोजेक्ट. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है. तो ये इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरी क्लाउड आनी चाहिए या तुम्हें डेवऑप्स सब कुछ आना चाहिए, बट आप एज अ डेवलपर दीज थिंग्स आर समथिंग. जब आप अगर कहीं इंटरव्यू में बोलते हो कि यस आई हैव इंटीग्रेटेड AWS S3 बकेट इन साइड आर प्रोजेक्ट, तो सामने वाले पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदे के पास AWS का भी नॉलेज है. सो दे कैन समथिंग डू बेटर विद द प्रोजेक्ट. सो यू कैन गो विथ AWS S3. और इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर ज्यादा डीप जाना है तो डेवलपर सेंटर के अंदर जाओ और यहाँ पे चीजों को देखो कि डेवलपर्स के लिए AWS में क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो यू हैव मेनी थिंग लाइक यहाँ अगर आप देखो कि जावास्क्रिप्ट के साथ भी कैसे इंटीग्रेट होता है, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो अगर टाइम है तुम लोगों के पास, अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा बहुत तुम लोगों के पास टाइम बच रहा है सब कुछ पढ़ने के बाद. तो दिस इज जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं. फिर जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो you can use something pipeline setup and all and there are a lot of more. तो इससे क्या होगा कि एक तुम्हारे लिए अलग से प्रोफाइल भी बन जाएगी तुम्हारे खुद की डेवलपमेंट के लिए कि अगर if you are going in interview then instead of front end developers and back end developers, सामने वाले को ये भी समझ में आएगा कि you have some DevOps knowledge जो कि एक अलग प्रोफाइल है. front end developer, back end developer and DevOps. These are the three profiles which are basically the most efficient profile in the IT industries. जहाँ पे आप front end developer काम करते हो, as a back end या DevOps engineer काम करते हो. तो अगर आपको तीनों चीजों की थोड़ी बहुत knowledge है, तो you will good to go. Like तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. उन चीजों को क्या करना, just दिमाग में shadow बनाना कि कैसे चीजें काम कर रही हैं. ठीक है, तो go through it. ये जैसे मैं MongoDB से delete कर रहा था, तो ये मेरे को याद आया. Because AWS S3 cloud के भी अंदर ऐसे डिलीट होता है चीजें, क्योंकि अब ना बहुत सारी चीजें कभी जब हमारी कोर्स कंप्लीट होने पे आएगी तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज
करंट सिनेरियो, अब आजकल जितनी भी एपीआईज बनती हैं, जो एपीआईज हम बना रहे हैं उसको हम टेराफॉर्म पे डिप्लॉय करते हैं. रीजन बिहाइंड की ये बहुत ही मैनेजेबल होता है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी तुम्हारी एपीआई फटेगी नहीं, कहीं भी जाके कोई सर्वर का प्रॉब्लम इशू क्रिएट नहीं होगा. अगर एक सर्वर डाउन होगा तो दूसरे सर्वर पे जाके वो हिट कर जाएगा. सो दीज आर द समथिंग व्हिच इज बेसिकली यस हेल्पफुल फॉर इन अपकमिंग फ्यूचर. ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट्स डिलीट कर दिए और आई एम गोइंग टू डिलीट सम कैटेगरीज एज वेल. तो एक्सेसरीज है, गोइंग टू डिलीट द क्लॉथ. ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं. सो यस, सो नाउ वी आई हैव टू पुल समथिंग फ्रॉम हियर बिकॉज़ देयर इज सम कोड इनसाइड माय अनदर लैपटॉप. सो आई हैव टू पुश द कोड. लेट मी चेक वेयर इज आवर कोड. एलएस सीडी status. status. स्क्रीन फ्रीज है आपकी. नहीं, मैं दूसरे सिस्टम पे कर रहा हूँ, मैं कोड कमिट कर रहा हूँ. इंटीग्रेशन जो कल हमने कोड करा हुआ था ना, वो मैं कोड पुश कर दूं, फिर मैं इधर पुल ले लूंगा. गेट पुश ओरिजिन मास्टर. यस, नॉट इज डन. सो यस, फॉर नाउ desktop. And we are inside our सर काफी दिनों से कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आज कुछ प्रॉब्लम आप क्लास के लास्ट में बता दो कि मेजर प्रोजेक्ट. आप ये नो ई कॉमर्स मेजर प्रोजेक्ट. यस, why it is looking like this yaar. ye tumko thoda weird dikh raha hai kya ye guys, is it looking weird? बताओगे सब? जी
हिंदी कोड Why my VS code is looking like this? It. ओके अच्छा ये बता दो तुम लोग कि आप में से कितने लोगों को डाउट है जो मतलब स्टक हो अपने जगह पे पॉइंट कहीं कहीं पे। हाँ जस्ट रेज योर हैंड्स जिनको कुछ डाउट्स हैं और स्टक्ड है। डाउट्स तो सबके पास होंगे, बस स्टक्ड कौन कौन से हैं, मतलब कहीं फंसे हुए हो जहां पे काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सर मेरा वाला डाउट वही है जो कल हमने पूछा था आपसे। बाकी तो चीजें चल सब अभी ओके मस्त चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम यू यस हिमांशी हैव सम डाउट राइट। ओके सो आई कैन टेक एनी टाइम दिस। मेरे को लगा कुछ पूरी टीम में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वी विल डेफिनेटली लुक। ठीक है तो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टेक इनसाइड अ गिट। I'm taking latest pull, so git pull origin, but master. Git branch git status and सर class सर स्क्रीन फ्रीज हो गया और git step increase यस सर okay. सर अभी तक आपने कुछ बताया थोड़ी था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ ठीक है नाउ इट इज विजिबल सो यस सर गेट स्टेटस गेट फुल ओरिजिन मास्टर Oh, what the hell it is going? The following working tree files would be overridden by merge or remove them before you merge. Is I have the latest changes? Let me check. We are working on what pages? And I think we have the 20 knee. User dashboard, admin dashboard. Front end zip. Git pull origin master.
Yes. Now all the changes has been received here. So inside your pages, you have all the files. So now you can start your server here. So what you have to do with the npm run npm test server. And run server as well. So yes, server is started now. And okay, so I'm going to extract something. Okay, batteries. What do I have to do? Okay. Screen is visible. So I'm going to extract this JIT. Yes. So you have downloaded downloads and images one. Okay, great. So screen visible, have I? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it is not connected with our MongoDB, so we have to check our MongoDB as well. So I'm going inside my overviews and just try to connect. Use it. Network access, and inside your network access, yes. So I'm going to add my IP address. So add current IP address. Just confirm it. It is in pending state. And it takes few second. So इससे क्या हुआ कि तुम्हारी IP address connect हो गई है? Just give some second. You will only be able to, okay. So it is now active. So I'm going to close my server and yes, we have a code editor. And now what you can do. Just start npm run server again. Yes, now it is connected to our MongoDB. And now we are going inside my downloads and inside my desktop. Where is my eKeyda? We have basics, full e-commerce. And inside my inside another terminal cd frontend
नाउ एनपीए मत स्टार्ट। Okay, so basically we are using previously we are using MacBook, so in different system we have installed different packages, but for now when you take some import then some of the packages you have to install because wo packages us system pe install hua tha, to yahan pe ise aapko fir se kya karna padega, install karna padega. To kiska error aa raha hai, notice stack ka. So what we are going to do, we are going to install what notice stack. So npm I note stack, yes, it takes few seconds to install. Yes, and now I can start my server again. Yes, you have users, so I'm going to add, going inside my product dashboard and going to create some products. For now, we have deleted all the products from our database, so it is empty. Is it make sense? Okay, so what we have to do, we have to add a product. So yes, I'm going to add a product, which is something, and now we are going to add only selective products because we want some good UI. So I'm going to add here wireless Bluetooth headphones, and description me you can give. Bluetooth, sorry, क्या ब्लूटूथ की स्पेलिंग क्या होती है बता दो कोई. यही होता है ना. यस सर. ओके यस सर. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी लेट्स यू कनेक्ट इट विद, आई एम गिविंग सम connect with compatible devices. So let me devices. Wireless Bluetooth description. Okay, and now price will be 6,000, quantity should be 25, and category should be accessories, and file should be go inside your images one, and yes, you have AirPods. Shipping is save changes. Yeah, product is created successfully. How cool is that? So now
when you refresh your web page, I think you have something, but it is not showing here. You see my console network tab. And what's the problem? Every strip origin with cross origin. Localhost 8000 पे वो रिक्वेस्ट नहीं बन पा रहे हैं. ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, है ना? ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज बिकॉज ऑफ कोर सिसु. यू हैव टू गो इनसाइड योर बैक एंड एंड इनसाइड योर एप डॉट जेएस, नॉट इनसाइड योर एप डॉट जेएस. यस, यू हैव कोर्स एंड go inside your package.json and just check it, is it course is installed or not? And yes, course is installed. And why it takes this problem? So let me check. I'm going to log in. Okay, it may be because of good products is not there. Okay, so let me check here. Product dashboard, just inspect. Sorry, fail again. Strict origin, cross origin. And kya mera backend server phat raha hai? So I have to check my backend server as well. Yes, my backend server validation path description is longer than maximum allowed. Okay. तो देखो यहाँ पे validation error देख रहे हो, क्या validation error आ रहा है? हमने जो validation दिया है वो 150 length का दिया हुआ है, but ये 150 से ज्यादा हो रहा है. समझ पा रहे हो सब क्या? तो guys बता दो कुछ, बोल भी दो यार. एयरपोर्ट वायरलेस प्रॉब्लम क्या था? बिकॉज आपका जो साइज था डिस्क्रिप्शन का, वो साइज का लेंथ 150 से ज्यादा है, जबकि आपने कोड में क्या दे रखा है? अगर आप जाओगे अपने कंट्रोलर पे, नॉट अ कंट्रोलर, इनसाइड योर मॉडल्स, तो आप अगर प्रोडक्ट देखोगे अपनी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आपने मैक्सिमम लेंथ कितना दे रखा है? 150. तो यू कैन डू वॉट, you can increase it with 250. Does it make sense? Yes. और अब मैं description में ये उठा के डाल देता हूँ और price में डाल देता हूँ 4000, quantities 20, categories, and now category भी hit नहीं हो रही है. अभी तक तो category hit हो रही थी, तो let me check. कैटेगरी क्यों फटी है? ये पे प्रोडक्ट कैटेगरी गेट ऑल रिस्पांस नहीं आया. बैकएंड सर्वर देखते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय सर्वर अगेन एंड टीम रन सर्वर. Let me refresh my web page. And now when I click on category, yes, now everything is fine. So product name is what? Airport wireless Bluetooth headphones. And description is something this. Price is 4000, quantity is 30, category is accessories, and yes, you can select from here your faults. Shipping, no, save changes. Yes, product is created successfully, but when you refresh this web page, and it is just not so.
ये वैलिडेशन एरर आ रहा है तो फट क्यों रहा है? वैलिडेशन एरर से प्रॉब्लम क्या है? सेव क्यों होने दे रहे हैं? मैक्सिमम लेंथ हटा ही देता हूँ डिस्क्रिप्शन से। एक बार मोंगो डीबी में देख लेते हैं डेटा है भी या नहीं है। सो डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस के अंदर एंड लेट चेक दी ब्राउज कलेक्शंस। यस अभी भी एक भी डेटा स्टोर हुआ नहीं है। सो एक बग भी है, ये बग देखना सब कि जब प्रोडक्ट सेव नहीं हो रहा है तो वो टोस्ट मैसेज किस बेसिस पे आ रहा है। सो जस्ट चेक इट कि प्रॉब्लम क्या है। सो डिस्क्रिप्शन मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अरे यार अपलोडेड सक्सेसफुली, लेट मी चेक माई डेटाबेस। I have no data. यार अब यहां से वैलिडेशन है सर। रिव्यू भी आ रहा है यार, व्हाट डस हेल। देयर इज वन बग रिपोर्टेड, व्हाइट गिव्स यू प्रीव्यू जब वो डेटाबेस में जाके डेटा सेव नहीं हो रहा है, तो प्लीज चेक करना तुम लोग। और अगर किसी को कुछ ऐसा डेटा डाल के देखना जिससे प्रॉब्लम हो, और क्योंकि ये एक बग है हमारे पास, इस बग को हमें फिक्स करना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स 2030 file this is these no and for now now it is saved. Ab ye jaake save hua hoga probably, let me check. Yes. हाँ अब ये जाके डेटाबेस में सेव हो चुका है। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड हियर एज वेल। सो यस यस वी हैव सम पीस ऑफ डेटा एंड इट लुक्स गुड। दिख रहा है तुम्हें गाइस? यस सर। यस तो वो वैलिडेशन एरर था, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, वो वैलिडेशन ही एरर था। सो यस वी हैव वायरलेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव
something going to add another card iPhone 11 Pro 256 GB memory and description is So we are going to save this description. Price is 48K, quantity is 30, category accessories, and yes, choose file, phone, shipping no. Yes, you have second data and now you can add different and on US DSLR camera. DSLR camera there Kujo. एक बार सेटअप में थोड़ा टाइम लगेगा बट जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें सही यूआई दिखने लगेगा. 40 एक्सेसरीज कैमरा फर्स्ट पेज. यस और देखो कितना प्यारा हमारा ये बन रहा है, डैशबोर्ड बन रहा है. इस डैशबोर्ड में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, तुम्हें तुम्हारे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस में भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इट लुक्स गुड. तो यस सेकंड इज आवर सोनी प्लेस्टेशन 4 प्रो वाइट वर्जन. PlayStation. Accessories, PlayStation, Move, yes, another product, Rosy, Pick, G. Series gaming mouse. A little better. Get a better handle on your games. But
स्लो सी टेक गेमिंग माउस, बेसिक्स प्रोग्रामेबल बटन्स अलाउ कस्टमाइजेशन फॉर अ स्मूथ प्लेइंग एक्सपीरियंस। अरे यार ₹2560 in accessories, mouse, yes, it is good. We are ready to go. Okay, I'm going to add last product. So this is what. Amazon Echo Dot generation price 4500, quantity 340, accessories Alexa, shipping no safe changes. Yes, all the products are now added in your admin dashboard. So now you can handle this data in your user dashboard. So we have something called what? Guest dashboard. So guest dashboard. Yes, we have some loaders. And yes, we have view cards. And now it looks little bit good as compared to another different things. ये थोड़ा सही दिख रहा है ना गाइस? एंड यस, देख पा रहे हो सब? इफ यू व्यू दिस मोबाइल फोन, यस यू हैव अ बेटर व्यू। क्लियर हो रहा है थोड़ा? मतलब दिख रहा है ठीक? अब थोड़े कार्ड्स को तुम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेना, ठीक है? बट नाउ इट लुक्स यस सर। गुड, Yeah. इट लुक्स गुड, यस। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई एम गोइंग टू लाइक मेक हियर अ लिटिल बिट मोर, डिस्क्राइब अ लिटिल बिट मोर हियर। सो व्हाट आई वांट, सो आई एम गोइंग इनसाइड माय फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू लाइक चेंज सम ऑफ द डेटा। सो गोइंग इनसाइड माय फ्रंट एंड वेयर वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी। सो यस, सो गिव मी अ सेकेंड। यस, सो व्हाट आई कैन डू, जस्ट गोइंग इनसाइड माय सोर्स
and now pages, and we have this page which is called product details page, and we have images. Yes, we have typography, but now I'm going to give this to MD 3 and 3. So I'm going to be giving this MD3, where we have the typography name, we have a typography description, we have a price, and I'm going to remove this button as well from here and rating select. So yes, so okay, we have this button, but sorry, I'm going to, what happens? And now, after this grid, I'm going to make another grid. Here, this, inside the grid, I'm going to paste this button. And now, इसकी ग्राफिक ही चेंज हो गई है, मैंने इसको आखिर भूल गया चेंज करना. कुछ को आइडिया है इसकी ग्राफिक कैसे चेंज होगी? नो सर. मैं अपना लैपटॉप साफ कर रहा था और मैंने कोई कुछ प्रेस कर दिया, रियस हो गया. ठीक है, ओके. अब मुझे ये जो वेरिएंट है इसको H2 ना देके I'm going to change with H5. सर इसका थीम चेंज करना है क्या आपके VS कोड का? हाँ, ये मेरे को ये जो थीम दिख रहा है ना VS कोड का, ये चेंज करना है. नीचे जो सेटिंग्स का आइकन है देखिए लेफ्ट कॉर्नर में. हाँ जी, वहाँ पे क्लिक कीजिए. कर लिया. उसके बाद थीम्स है, थीम्स पे क्लिक कीजिए. हाँ, फिर उसके बाद कलर थीम. कलर थीम हाँ, क्लिक कीजिए उस पे. हाँ, उसके बाद वो जो मोनोकाई डायमंड है ना, मोनोकाई डीम्ड. हाँ, मोनोकाई या मोनोकाई डीम्ड में से दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए. ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ा ये लाइट नहीं है. ठीक है, चलो यार, पहले से तो बेटर है, काफी बेटर है. थैंक यू यार, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट इन माय वेरी टफ टाइम. तो वेरिएंट बोल्ड है. अब मैं इसमें एक एफएक्स ले देता हूँ, और एसएक्स में क्या दे देता हूँ बताओ? फॉन्ट, फॉन्ट वेट, और इसको मैं क्या दे दूंगा वो तो बोल्ड. फॉन्ट वेट क्या हो जाएगा? बोल्ड. एंड नाउ यस, इसके बाद अब हमारे पास ये वेरिएंट है. इस वेरिएंट को मैं यहाँ पे क्ली दे देता हूँ, जिससे ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बेहतर दिखे. And price should be, जो ये हमने price दिया है, कि आगे मैं एक something price, and now, और इसको मैंने color red दिया है, जिसको मैं black दे देता हूँ, और variant, ठीक है, चलेगा, और रेटिंग के लिए मैं यहाँ से ये रेटिंग अभी के लिए हटा देता हूँ. इसके लिए मैं अलग से हैंडल करूंगा रेटिंग, क्योंकि ये रेटिंग काम नहीं करेगा. तो थोड़ा सा मुझे डायनामिक बनाना है इसको. सो लेट्स ट्राई. यस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स वेयर वी हैव ऑल द थिंग्स लाइक योर what your price, your status, and your quantity as well. So you can select a multiple quantity of the same product. So when you click on add to cart, this quantity is going to be like displayed inside your add to cart list. So what I can do, so we have something called
product screen, and now okay, so what you can do inside a grid, you have, you can simply take a card, and inside this card we have something called list group. So list group is a component, MUI component. So if you go and search about list group, so what it gives you, MUI yes, so I'm going to make some kind of list here. So we are going to use a list group. So, okay. And inside a list group, you have, yeah, aap simple bol sakte ho list. I'm not going to say group. And inside list group, what do you have? List item. तो अब देखो मैं मैंने कार्ड इंपोर्ट करा है तो मैं यहाँ पे कार्ड इंपोर्ट कर लेता हूँ मटेरियल वाइज से और क्या क्या इंपोर्ट करा है लिस्ट इंपोर्ट करा है लिस्ट आइटम इंपोर्ट करा है तो वी हैव एवरीथिंग अच्छा एक बात कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि लाइक गाइस बहुत लोग तुम्हें प्रेफर करेंगे कि स्टाइल डॉट सी एस एस यूज करो बट style.js is something which is 60% more optimized than normal CSS file. So if you are using SAS or less, if you are using SAS or less, then it is equivalent to this material UI or style in JS. So you have, there are many ways to styling your file. First is you are going to use a normal CSS. Second is you are going to use SAS or CSS, SAS or less, which is a preprocessor of CSS. Third thing is that you are going to use CSS in JS. So first thing is simple plain CSS. Second thing is CSS preprocessors. And third is CSS in JS. So here we are using a most advanced technique, which is what? CSS in JS. So CSS in JS is the most optimized technique or most latest technique which we are implementing here. So jo abhi isme tumhe kahin bhi koi bhi HTML ka tag nahi dikh raha hoga or even not in, inside of this product even any file you are going and just check you tum ek bhi yahan pe file nahi check kar pa rahe hoge jahan pe ek normal HTML ka tag humne use kara hai ek bhi single HTML ka tag humne use nahi kara humne jo bhi use kara hai हमने MUI यूज करा है नहीं तो हमने CSS in JS यूज करा है तो ये आप एक डिस्क्राइब कर सकते हो अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे जब आपसे कोई प्रोजेक्ट्स पूछ रहा होगा तो ये बहुत अच्छा की पॉइंट होता है अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि वी आर यूजिंग CSS in JS और मटेरियल UI एंड स्टाइल्ड कंपोनेंट टू डिजाइन आवर फाइल्स तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन MUI स्टफ देन रेट योरसेल्फ तो यू कैन रेट यू योर सेल्फ अकॉर्डिंगली जितना तुमने डिजाइन लिखा हुआ है बट ये बोलना चाहिए कि यस वी हैव यूज CSS इन JS अ मोस्ट लेटेस्ट वे टू राइट आर जावा CSS कोड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट बिकॉज जब तुम स्टाइल्ड फाइल के अंदर जाओगे तो ये जो सिंटेक्स है ना ये सिंटेक्स है बेसिकली JS का जावास्क्रिप्ट का ये किसका सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट का और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या लिख रहे हो CSS लिख रहे हो तो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि मैक्सिमम लोग ये यूज एक्चुअली मतलब क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन से नहीं जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होता है बट ये सबसे एडवांस टेक्निक है CSS को यूज करने का और इसमें CSS यूज करने का बेनिफिट क्या है कि तुम्हारी CSS बड़ी प्यारी दिखेगी मतलब तुम कहीं से भी CSS चेंज कर सकते हो और जो नॉर्मल CSS लिखने में प्रॉब्लम क्या था कि इफ यू आर गोइंग टू चेंज एनीथिंग इनसाइड अ सीएसएस
और अगर वो क्लास नेम तुमने 20 जगह यूज करा है तो वो 20 जगह जाके चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो हमें मल्टीपल क्लास नेम्स लिखने पड़ते थे, तो जब नया डेवलपर आता था ना तो वो क्लास नेम में ही उलझ के रह जाता था कि भैया इसमें कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको क्लास की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप सीधा वहां पॉइंट करके पहुंच जाओगे। अगर आपको कोई डायनामिक सीएसएस चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से प्रॉप पास करोगे, और मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ था स्टाइल लिखने का कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स यू कैन यूज दिस स्टाइलिंग थिंग्स। हैव यू रिमेम्बर और भूल गए हो गाइस? यस सर। जो मैंने शायद प्रॉप्स बताया था ना, वो प्रॉप्स के थ्रू, डॉलर प्रॉप्स के थ्रू। यस सर, यस सर। कहीं ना कहीं तो यूज भी करा होगा मैंने, नहीं यूज करा होगा, बट अभी तक रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी नहीं है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैंने कम यूज करा है। बट मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हाँ, मैंने नॉर्मली बना लिया है। बुक स्टोर में करा होगा? नहीं सर, मैं बोल गया, बुक स्टोर में करा। तो वो बहुत ही एडवांस टेक्निक है सीएसएस लिखने का, और वो कोड अगर तुम किसी को सीएसएस लिखने का तरीका दिखा दो, अच्छे डेवलपर्स को दिखा दो, दे लिटरली लाइक दिस अप्रोच, बिकॉज वो अप्रोच बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। और वो अप्रोच भी बिकॉज मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, उस प्रोडक्ट पे क्या ही था कि मुझे सीएसएस ही ऑप्टिमाइज करना था। क्लाइंट ने सीधा बोला था कि वी हैव टू ऑप्टिमाइज अ टाइपस्क्रिप्ट एंड सीएसएस, दैट्स इट। और उसके लिए वो अच्छा खासा पे कर रहे थे टाइपस्क्रिप्ट और सीएसएस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और उनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि उन्होंने सीएसएस की फाइल थी 2000 लाइन की, और उस 2000 लाइन मतलब एक फाइल में 2000 लाइन ऑफ कोड था, अप्रोक्सीमेटली 30 फाइल्स थे सीएसएस के। और तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे पास 60,000 लाइन ऑफ कोड है और उसको तुम कितना रिड्यूस कर सकते हो। बहुत रिड्यूस करते तो 40,000 रिड्यूस करते, बट वो हमने रिड्यूस करके नॉट एम ओ सिंगल वन, मैंने टीम में काम किया हुआ था, और अप्रोक्सीमेटली हमने उस पूरे मतलब 40,000 से 50,000 लाइन ऑफ, अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, 50,000 तो डेफिनेटली था, उसको हमने ऑप्टिमाइज करके लाया था 4,000 लाइन ऑफ कोड पे, बिकॉज हमने वो प्रॉप्स यूज कर लिया था और हमने उसको डायनेमिक बना लिया था। तो देयर, क्योंकि लाइन व्हेन यू आर वर्किंग विद सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, तो वी नो दैट वी हैव टू थिंग्स, कंपाइल टाइम फेज और रन टाइम फेज। तो सबसे पहले तुम्हारा कोड कंपाइल होता है, और कंपाइल कैसे होता है, लाइन बाई लाइन। तो जितना ज्यादा लाइन होगा ना कोड का, उतना ही ज्यादा कंपाइल करने में टाइम लगेगा। तो मेक श्योर दैट कि तुम्हारा कंपोनेंट में जो कोड होगा ना, वो 200 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 200 लाइन से ज्यादा बताओ, नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है। तो इफ आई एम गोइंग इनसाइड एनी फाइल, तो हमारी कोई भी फाइल 200 लाइन से ज्यादा नहीं जा रही होगी, 100 लाइन, 150 लाइन, 117। आप किसी भी फाइल पे चले जाओ, आपको इतने ही लाइंस मिल रहे होंगे। अगर इससे 200 से ज्यादा बढ़ेगा, मैं उसको कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ कि फिर वो दूसरे कंपोनेंट से हैंडल हो, ठीक है? ओके, सो नाउ हियर इनसाइड दिस आई एम गोइंग टू यूज, कैन आई यूज रो एंड कॉलम? सो हैव यू रो एंड कॉलम इनसाइड मटेरियल यूआई? How to define row inside MUI? नहीं, मुझे ग्रिड तो डिफाइन करनी नहीं है, मुझे सिंपल रोज डिफाइन करनी है। जिन्होंने एरेज पास कर दिया है रोज के अंदर, सो आई कैन डू दिस कॉलम फिर नेम और रिएक्ट एम यू आई। तो रोज के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर कॉलम के अंदर, रोज के अंदर एक पूरी एरे है, तो हम एक दूसरी एरे भी पास कर सकते थे, ठीक है? तो यस, वी हैव अ सिंपल अप्रोच हियर, वी कैन यूज सम काइंड ऑफ दिस थिंग। ये देखो, ये बहुत अच्छा है,
हम ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि तो मैंने यूज नहीं करा है डेटा ग्रिड। समथिंग गुड तो हम लेटर डू सर। और मैं सीधा ग्रिड उठाता हूँ इस पूरे डीपी के साथ और वहां यूज कर लेता हूँ ब्रो। मैं ये कार्ड डाल देता हूँ तो मैं यहाँ ये यूज करता हूँ flexible problems. Let me check my UI. होंगी उनको बोले रिमूव करो। यही मुझे ये स्लिंग का बेस्ट पार्ट लगता है कि तुम्हारे कोड को गंदा नहीं होएगा वो बढ़ नहीं। अच्छा कांट रिजॉल्व ओके सो यू हैव टू इंस्टॉल दिस पैकेज एज वेल बिकॉज दिस इज अ मॉड्यूल ऑफ MUI एक्स डेटा ग्रिड सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस पैकेज एंड नाउ व्हाट वी कैन डू we have terminal open let me check yes okay control v ye hua kya theek hai so npm i theek hai तो ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। यस एंड नाउ स्टार्ट माई फ्रंट एंड सर्वर अगेन एंड npm स्टार्ट गेस्ट डैशबोर्ड ओके तो ये रो पर पेज ये ग्रिड तो आ रहा है बट आई हैव टू रिमूव समथिंग फ्रॉम हियर एंड व्हाट आई वांट टू रिमूव इज गेट रो आईडी। इसका कोई काम नहीं है गेट रो आईडी का मेरे लिए सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ये तो है बट प्रॉब्लम क्या है ये हमें ये यूज करना है क्या हमें तो ये यूज भी नहीं करना है मैं इसे कैसे हटाऊं ग्रिड कॉलम तो ये डेटा ग्रिड यूज करने का कोई मतलब है नहीं जस्ट रिमूव दिस सॉरी गाइस मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगा था बट यस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग सो आई एम गोइंग टू लाइक मेक अ बॉक्स एंड इनसाइड अ बॉक्स ठीक है सो आई एम गोइंग टू टेक अ बॉक्स और अब मैं नॉर्मल डिजाइनिंग करता हूँ मैंने थोड़ा सा इस पे ज्यादा दिमाग लगा दिया था सो इनसाइड अ बॉक्स आई एम गोइंग टू मेक थ्री अलग थ्री डिफरेंट बॉक्सेस सो
और थ्री डिफरेंट डीप्स, सो यस यू हैव अ डीप एंड फर्स्ट डीप, सेकेंड डीप एंड थर्ड डीप एंड इनसाइड द फर्स्ट डीप. अब मैं ये बॉक्स पे क्या करूंगा कि मैं एक बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे एक्सपोर्ट Art box style box. और अब इसके पास मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम. यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा कॉलम. और मैं ये कार्ट बॉक्स को यूज कर लूंगा प्रोडक्ट डिटेल्स वाली पेज पे. ये ग्रिड में हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है. तो कार्ट बॉक्स ठीक है, और मैं इस बॉक्स को रिप्लेस कर देता हूँ कार्ट बॉक्स के साथ. ठीक है, एंड नाउ इनसाइड अ डीप यू हैव समथिंग टाइपोग्राफी एंड टाइपोग्राफी शुड बी व्हाट प्राइस. और एक और टाइपोग्राफी होगा टाइपोग्राफी एंड टाइपोग्राफी शुड बी व्हाट बताओ स्टेट डॉट आइटम डॉट प्राइस. इस डीप के अंदर हमारे पास स्टेटस आएगा स्टेटस. तो मैं एक टाइपोग्राफी बना देता हूं एंड इसके अंदर हमारा होगा स्टेटस स्टेटस. और एक और टाइपोग्राफी आएगा और इस टाइपोग्राफी के अंदर हम क्या दे देते हैं व्हाट बताओ. तो अब इसकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो हमें मिल रही थी क्या, इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी स्टेट में गाइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल रही थी, चेक करोगे क्या स्टेट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आइटम की फोटो मिल रही है और यस क्वांटिटी मिल रही है ना. तो मैं यहाँ पे एक लगा सकता हूँ क्या चेक, एक चेक लगा सकता हूँ ना कि इफ प्रोडक्ट क्वांटिटी मैं एक्सट्रीम एक पास कर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ कि इफ स्पीड डॉट प्रोडक्ट स्टेट डॉट बताओ क्या होगा स्टेट डॉट आइटम डॉट क्वांटिटी इज greater than zero, then what should be you have to show in stock, otherwise what out of ये समझ पा रहे हो सुन मैंने क्या किया. Now, inside a quantity, I am going to give you a select option. So, यहाँ पे आप दे सकते हो कि इस डीप के अंदर पहला एक टाइपोग्राफी और इसमें दे दो क्वांटिटी ठीक है, और दूसरा आपको क्या दे सकते हो बताओ सेलेक्ट. सो इन सेलेक्ट इनसाइड अ सेलेक्ट व्हाट वी हैव बताओ ऑप्शन. सेलेक्ट के साथ क्या होता है ऑप्शन, एंड ऑप्शन में क्या क्या दे सकते हो वन
अब ये बताओ, इज दिस अ गुड अप्रोच? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूँ? अब मैं ये सेलेक्ट क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा और ये कहाँ से उठा लूंगा, यहाँ से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू वैल्यू भी करनी पड़ेगी, तो ये अब थोड़ा सा ना ये हो गया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल डीप बनाना पड़ेगा, व्हाट कॉल्ड स्टाइल डीप बॉक्स, स्टाइल डॉट डीप, और यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, डिस्प्ले, व्हाट इज डिस्प्ले, वेक्स, वेक्स डायरेक्शन रो, और जस्टिफाई कंटेंट शुड बी व्हाट स्पेस बिटवीन, and now you can do this product detail page style deep box, and now you can replace it, sorry, style deep box, ठीक है क्या हो गया, गलती हो गई क्या हमारी? दो बार हो गया क्या? स्टाइल डॉट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये हमने तो सही करा है। कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तुम लोगों को? मुझे तो नहीं दिख रहा है। उन्हीं तो बताओ, स्पेस अच्छा, नहीं यार ये भी सही है, स्टाइल सही है, हमने डीप को ही तो करा है, एक्सपोर्ट करा और स्टाइल डीप बॉक्स एंड इट इज नाउ क्लोज्ड। पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है यार, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें? गर्मी के टाइम में स्टाइल डीप बॉक्स में प्रॉब्लम क्या है? कोई ना सिंटेक्स चेंज है, तो मैं करके देखता हूँ यार, सकता हूँ।
सर एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिए, कभी कभी स्पेलिंग की वजह से भी होता है। तो कॉपी पेस्ट ही करता हूँ यार, तो कॉपी पेस्टिंग ही कर रहा हूँ मैं, कहाँ स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी बहुत इरिटेटिंग बिहेव करने लगता है यार ये। देखो यार पॉइंट भी एक कर रहा बार है ये। सर्वर बंद करके चालू करके देखो ना वापस, सर्वर एक बार बंद करके चालू करके देखो ना, रिस्टार्ट करके। Expected a string for a built-in components got undefined, likely for export probable file it is defined in. So let me check its export. Now it works. Question yaar hai. ठीक है, अब देखो थोड़ा टाइम जो भी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें ऐड टू कार्ट में लगेगा, पेमेंट गेटवे में लगेगा इसके अंदर। अरे यार प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। एम आई ऑडिबल गाइस? यस यस सर, यस सर। मेरे को लगा कि वो मैपिंग नहीं चल रही है, उनकी मैपिंग फट रही है। मैं 1 मिनट में आ गया, बस फोन चल रहा है।
गाइस, सो यस सर। सो इट हैव सम प्रॉब्लम विथ कनेक्शन विथ डेटाबेस। Yes, now it is connected and yes, all the items are there. So we have product description, we have a price, we have this option, but we have to make it dynamic. So whatever the count of the product, it is shown here. So if the product is sold, so when we implement our buy functionality, then we are going to remove the quantity of the product from where? From the product database. Search bar mein kya hoga? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी इसमें हम प्रोडक्ट दिखाएंगे, जितनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, काउंट है उतनी। मान लो कि ये प्रोडक्ट इस यूजर ने सेल कर लिया, तो ओवरऑल प्रोडक्ट की काउंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो गेस्ट यूजर को वो प्रोडक्ट कितनी दिखेगी उस समय? 25 ही। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब जैसे एक एक आइटम सोल्ड होते जाएगा, एक एक क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो वैसे ही बोल रहे हो ना आप? हाँ, कि और मान लो कि आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, तो उस प्रोडक्ट को वो एड टू कार्ट को डिसेबल कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो यूजर एड टू कार्ट को क्लिक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सही, डिसेबल किस साइड से होगा? ये फ्रंट एंड से होगा ना। ओके ओके, हम काउंट चेक कर लेंगे कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक है। मान लो कोई प्रोडक्ट तुमने ऐड करा और क्वांटिटी जीरो कर दिया, तो इट मींस ये प्रोडक्ट सेल होते गया, तो वो प्रोडक्ट जीरो होगा कभी ना कभी। जैसे जीरो होगा, क्या वो प्रोडक्ट के लिए तुम ऑर्डर ले सकते हो? नहीं। तो वो ऑर्डर लेने का काम किसका है? फ्रंट एंड का ना। फ्रंट एंड ही तो रिक्वेस्ट भेजेगा ना ऑर्डर का, तो पहले ही वैलिडेट कर लेगा कि भैया ये प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस में नहीं है, इसलिए आप इसको ऐड टू कार्ट में नहीं डाल सकते हो। तो उसके लिए ही तो विश लिस्ट बनता है ना। यस सर, यस सर। या आप रिमूव करो, या जब आपके पास प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट पे नहीं जाता है वो, तो या आप उसको वैलिडेट कर दो ऐड टू कार्ट के टाइम पे, या उसको वैलिडेट कर दो शिपमेंट के टाइम पे। बट अब तुम बताओ, किसी यूजर को तुम ऐड टू कार्ट करवा लो, उससे शिपिंग एड्रेस ले लो, उससे तुम बिलिंग पेमेंट पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेट पेमेंट डिटेल्स ले लो, और जब वो सबमिट करने जाए तब आप उसको बोलो कि प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, तो यूजर को कितना बुरा लगेगा? हम एज अ डेवलपर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हम यूजर के काम को आसान बना रहे हैं, तो हम यही डिसेबल कर देंगे, तो वो समझ जाएगा ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है ना? यस सर। और यहां हम स्टेटस में क्या दिखा देंगे? आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स पे आते हैं, और ये जो बटन है यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं डिसेबल्ड का, डिसेबल्ड का। और डिसेबल्ड में हम क्या लगाएंगे, एक डायनामिक पास करेंगे, और इस डिसेबल्ड के अंदर व्हाट वी कैन पास, बताओ तुम ही लोग, बताओ तुम लोग, कंडीशन बताओ।
state dot item dot entity is greater than zero, then अब disabled जो property होती है ना वो क्या less than रखेंगे ना, हाँ सर less than होगा ना, less than one रहेगा ना, तो less than अगर greater than zero करोगे तो इसको कर दो false otherwise true, क्योंकि disabled को true या false ही करना है ना, yes sir तो आप यहाँ पे ये कर दो ना this question mark अगर greater than zero है तो क्या हो जाएगा, ये false हो जाएगा है ना, otherwise क्या हो जाएगा बताओ, true हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि disabled काम करना start कर देगा, तो let me check this functionality कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं डेटाबेस में जाता हूँ और इस प्रोडक्ट का कौन सी प्रोडक्ट में काम कर रहा है, ये हेडफोन पे, तो हेडफोन है ना, अब इसकी जो क्वांटिटी है मैं इसको एडिट करके जीरो कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ अभी के लिए जीरो कर देता हूँ, अपडेट हो गया, लेट मी रिफ्रेश माय वेब पेज, ओके ये अभी भी काम कर रहा है और स्टेटस इसका अभी भी काम कर रहा है, तो मैं को पेज रिफ्रेश करने दो, क्यों नहीं काम करा, मैं एक बार कंसोल लगा देता हूँ यहाँ पे जिससे हमें समझ में आ जाएगा, स्टेट डॉट चलो स्टेट देख ही लेते हैं ना, तो एक बार इंस्पेक्ट पे आते हैं, कंसोल में आते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर देख लेते हैं, इसकी क्वांटिटी अभी भी 30 आ रही है, इसकी क्वांटिटी अभी भी 30 आ रही है, बिकॉज यहाँ पे पे हिट हुआ नहीं है, ए पे हिट होता कहाँ है, अब यहाँ पे हिट होता है ना, अब लेटेस्ट अपडेट तो इस जगह पे, यहाँ से तुम स्टेट पास कर रहे हैं, तो अब जाके ये फंक्शनैलिटी काम करेगा, और देखो ऐड टू कार्ट क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया, और स्टेटस क्या आ गया, आउट ऑफ स्टॉक और ऐड टू कार्ट बटन इज डिसेबल्ड, सो इट वर्क्स फाइन, बट थोड़ा सा मैं इसकी डिजाइनिंग पे थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बार इंस्पेक्ट करता हूं, इस डीव में देयर थ्री डीव्स, तो मैं बॉर्डर दे देता हूं 1 pixel सॉलिड ब्लैक, बट अब ये ले तो रहा है सही, बट इट टेक्स ऑल वीट, तो आई हैव टू गिव सम हाइट एंड हाइट शुड बी 200 pixel एंड नाउ इट इज गुड, सो इस बॉक्स पे मुझे दो प्रॉपर्टी चाहिए, कौन से बॉक्स पे प्रॉपर्टी चाहिए बताओ, कार्ट बॉक्स पे चाहिए ना, सो आई एम गोइंग इनसाइड माय कार्ट बॉक्स एंड जस्ट पेस्ट दिस टू प्रॉपर्टीज बॉर्डर एंड हाइट, और अब मैं एक बार फिर जाता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, स्टाइल डीव कार्ड पे मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ, इट शुड बी 1 pixel सॉलिड ब्लैक, इट इज नॉट शोइंग गुड, तो मेरे को ना एक बार ना नीचे करने दो इसको, मैं एक्चुअल सिनेरियोस देख पाऊं, ठीक है, हाँ तो ये बॉक्स है, इसके अंदर एक डीव, दो डीव, तीन डीव, बटन भी मुझे इसके अंदर डालना है ना, तो मैं ये जो बटन है जो मैं बाहर रखा हूं ये इस कार्ड बॉक्स के अंदर डालूंगा, ठीक है भाई, लेट मी रिफ्रेश, यस नॉट इज लाइक लिटिल बिट गुड, बट बॉर्डर बॉटम जो हमने दिया है
ये अब किससे उठा रहा है, जो नीचे का बॉर्डर है, एक तो ये है कि ये है एक बटन है, तो अगर मैं ये हटा दूं तो काम कर जाएगा, तो ये मैं हटा देता हूं, अगर मैं ये हटा देता हूं बट सर बटन को थोड़ा छोटा करके बॉर्डर रेडियस दे देते ना। अब ठीक है, ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है, दिख रहा है, सही दिख रहा है। यस नाउ इट इज लुकिंग लिटिल बिट गुड, बट अब थोड़ा सा मुझे ना इसको मार्जिन और पैडिंग देनी है, और ऐड टू कार्ट के बटन को थोड़ा सा इसकी वेट को कम करना है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स पे आते हैं, बटन पे हम एक बार एसएक्स दे देते हैं, और वेट शुड बी कितना परसेंट, 50%। ओके इट शुड बी 50 पर ऑलरेडी परसेंट एक एसेक्स दिया हुआ है ना अच्छा उसमें। अच्छा 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 हाँ, सॉरी माय मिस्टेक, वेट शुड बी 50%। हाँ, के बाद वेट दे दिया हमने, लाइन सेंटर एक प्रॉपर्टी और दे देते हैं अलाइन को सेंटर, हम नहीं करा अलाइन सेंटर, कोई बात नहीं, डीव दिस बटन, ओके दिस बटन, और इस पे मैं अगर इनकेस मैं थोड़ा सा मार्जिन है ना टॉप, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट शुड बी 30 पिक्सल, और मार्जिन टॉप शुड बी 20 पिक्सल। ठीक है, 50 कर दो, ठीक है। और इनके ऊपर से जो इनको पैडिंग मिल रहा है स्टाइल डीप कार्ड को, स्टाइल डीप कार्ड को यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन मार्जिन शुड बी 20 पिक्सल, और पैडिंग शुड बी 10 पिक्सल। ज्यादा हो गया 10 पिक्सल, फाइव पिक्सल, यस नाउ इट इज लुकिंग लिटिल बिट गुड, है ना। नहीं यार, फिर तो ये पैडिंग ये बाहर जा रहा है ना, हम ऐड टू कार्ट के लिए हम रहने दे सकते हैं, ऐड टू कार्ट यहाँ भी रहने दे सकते हैं, ये बुरा नहीं दिख रहा है। गाइस कोई कमेंट, और थैंक सर यू बॉर्डर फॉर, हटा दो ना उसका, कौन सा बॉर्डर हटा दो उसका पूरा प्राइस स्टेटस और क्वांटिटी जिसमें रखा है वो कंटेनर का। ठीक है यार, आई डोंट थिंक कि ये कुछ वियर्ड लग रहा है, तो बॉर्डर नहीं रहेगा ना तो मतलब वो दिखेगा नहीं फिर उतना, मतलब ठीक रहेगा देखने में। जैसे आपकी मर्जी, ये बॉर्डर ना, ठीक हाँ अभी ठीक है। है, ठीक है। सो अब मैं इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो मैं फिर से 20 कर देता हूँ, और इसको मैं 8 कर देता हूँ, और मुझे अब अपने फ्रंट एंड पे आना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा, फिर से लोड करना पड़ेगा, तो
यस एंड नाउ एवरीथिंग इज गुड एज एक्सपेक्टेड. तो ठीक है, तो यस इफ यू गो एंड चेक, यस इट इज नॉट 100% व्हाट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, बट या बट तुम्हारा मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस ब्रेक भी नहीं कर रहा है, मतलब इट इज गोइंग, इट इज वर्किंग फाइन, है ना. अब थोड़ा बहुत अलाइनमेंट एंड मार्जिन पैडिंग अगर आपको देना है तो आप लोग इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे दे सकते हो, इसकी विड्थ, और आपको मैंने बताया हुआ था उस प्रोडक्ट पे भी कि आपको कैसे मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करना है, सिर्फ आपको क्या देना पड़ता है, मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती है, तो यू कैन हैंडल इट विथ योर ऑन. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी शो कर जाएगा, यहाँ स्टेटस है. मैं थोड़ा सा बस अब प्राइस के लिए मैं थोड़ा दे देता हूँ बस एक और लास्ट प्रॉपर्टीज कि इनकी जो टाइपोग्राफी है इस पे मैं एसएक्स लगा देता हूँ और फॉन्ट वेट शुड बी व्हाट बोल्ड, और ये कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है ठीक है. यस स्टाइल टाइपोग्राफी बना लेते हैं ना, उससे अच्छा तो यार एक प्रॉपर्टी लगानी है ना, अब एक प्रॉपर्टी के लिए स्टाइल टाइपोग्राफी बना के रिप्लेस करते हैं. तुम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हो यार, तुम लोग कोड पे थोड़ा सा काम करोगे ना, ये छोटी छोटी चीजों को ना, ये सब चीजें तुम लोग बहुत इजीली हैंडल कर लोगे, और यकीन करो तुम लोग स्टार्टिंग फेज में तुम लोग ऐसे ही टास्क से भी मिल रहे होंगे, इसलिए मैं तुम्हें टास्क पे ज्यादा जोड़ देता हूँ. रीजन बिहाइंड की जब तुम किसी बने, क्योंकि आपको आप ये मत सोचोगे आप जब कहीं पे भी इंडस्ट्री में जाओगे आपको सीधा कोई स्क्रैच से प्रोजेक्ट पकड़ा देगा कि भैया ये लो प्रोडक्ट डिजाइन कर दो, प्रोडक्ट बिल्ड कर दो, कोई तुम्हें नहीं देने वाला है, कोई भी नहीं देने वाला है आपको, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही छोटे छोटे टास्क मिलेंगे. तो जब आपको कुछ बोला जाए टास्क करने को उसको करो, मन लगा के करो, क्योंकि वही चीजें हैं जो जाके तुम वहां भी कर रहे होगे, और जितने छोटे छोटे टास्क इन प्रोडक्ट्स पे काम करोगे ना उनसे तुम्हें आइडिया लगने लगेगा कि कैसे तुम्हें डिबग करना है, कैसे नया इम्प्लीमेंटेशन करनी है. तो छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन पूछ लो, सर क्या करना चाहिए इसमें, बताओ उसमें मैं क्या कर दूं, क्या चेंजेस कर दूं. तो मेरे पास टास्क का कमी नहीं है, मैं तुम्हें 20 टास्क अभी भी काउंट करवा दूंगा इनके, कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, और वही टास्क तुम्हें बेसिकली करना भी पड़ेगा. अगर तुम टिकट्स देखते हो, अगर जो जीरा बोर्ड मिलता है, और जब आप फ्रेशर्स को कोई टास्क असाइन करते हो या कम एक्सपीरियंस्ड वाले को टास्क असाइन करते हो, तो उनको आप ऐसे ही टिकट्स देते हो, यूआई के चेंजेस दोगे धीरे धीरे, फिर आप कुछ छोटे छोटे पर्सनैलिटीज दोगे. बट उस टाइम जो नए डेवलपर्स होते हैं वो बस फ्रस्ट्रेटेड इसकी हो जाते हैं कि उन्हें कोड बहुत ज्यादा दिखता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ चेंज करना है, क्या करना है. तो ये जो हैबिट है ना, वो तुम्हें नए जो बने बनाए कोड है ना उसमें चेंजेस करने के ही आएंगे. तो मेक श्योर कि कुछ कुछ चेंजेस करते रहो, ठीक है. चलो बातें हो गई, तो वी हैव हैड टू कट एंड नाउ व्हाट आई कैन डू कि अब हम ऐड टू कार्ट से जब जाते हैं तो हम इसके शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे जाते हैं. तो यस, सो वी हैव शॉपिंग कार्ट, वी हैव डिस्क्रिप्शन, तो नेम आ गया. ओके, सो आई थिंक दिस डेटा इज व्हाट स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा है ना, डायनेमिक तो नहीं. इसमें क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है ऐड टू कार्ट करने के बाद. नहीं सॉरी, क्या फिर से बोलना. अभी हम लोगों ने एक सिंगल क्लिक किया ऐड टू कार्ट पे, इसका मतलब है कि हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड हुआ, राइट? हाँ, सिंगल क्वांटिटी. तो एक सिंगल क्वांटिटी का उसमें वैल्यू तो दिखाना चाहिए ना. तो अभी हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कहाँ किया भाई. हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ. हाँ, उसपे काम करना है ना. अभी मुझे ये शिपिंग एड्रेस पे अभी वो भी मैं फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करूंगा. पहले मैं इसकी डिजाइन को, क्योंकि आज ना डिजाइन वाली चीज इसको थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि तुम्हें चीजें दिखने लगेंगी. तो शॉपिंग कार्ट के अंदर, तो इसको फिक्स करने के पहले मुझे इसको डायनामिक भी तो बनाना पड़ेगा. सो यस, सो लेट्स स्टार्ट विद जो कल हमने चीजें छोड़ी हुई थी, कुछ चीजें वो हमें कैसे हैंडल करना है. सो व्हाट आई कैन डू
तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वांटिटी को हमने सेलेक्ट बनाया हुआ था, तो ये मैं उसको डायनामिक बना दूंगा बाद में, बट अभी के लिए मुझे इनमें क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखा दूं। तो हमने कंपोनेंट पे काम किया था जिसका नाम हमने क्या रखा था बताओ, सेलेक्ट डॉट जेएस। तो सेलेक्ट में हम क्या क्या पास करते थे, वैल्यू, वैल्यू पास करते थे ना, हाँ, और वैल्यू में सेलेक्ट डेटा, और सेलेक्टेड वैल्यू में सेलेक्ट डेटा, तो सेलेक्ट डेटा, और ये बेसिक सेलेक्ट जो था ये जहां से भी यूज होता था अगर हम किसी यूजर डैशबोर्ड या एडमिन क्लाउड के प्रोडक्ट डैशबोर्ड पे जाते थे तो हमने सेलेक्ट यूज करा हुआ है, नहीं दिखा है सेलेक्ट, यस। तो सेलेक्ट के अंदर ठीक है, सो आई कैन डू दिस, मैं ये मेन्यू आइटम यूज कर लेता हूँ। सो प्रोडक्ट डिटेल्स, किस पेज पे थे हम, इसी पेज पे थे ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई एम गोइंग टू यूज मेन्यू आइटम, और अभी के लिए मैं 1 2 1 2, ये मैं इसको डायनामिक बनाऊंगा, बट अभी के लिए मुझे क्या करना है, मेन्यू आइटम ठीक है, वैल्यू हो गई है, सॉरी ठीक है, हाँ वैल्यूज आ रही है, दैट्स कूल ठीक है। तो ये हमारे पास सेलेक्ट में वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इस वैल्यूज को गेट करेंगे और यही वैल्यूज हम भेजेंगे अपने एप्लीकेशन की क्वांटिटी में। सो व्हाट आई कैन डू, सो बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू हियर इज व्हाट, कि जब हम एड टू कार्ट पे क्लिक करें तो हम क्या कर रहे थे, एक एक्शन डिस्पैच कर रहे थे, सॉरी नेविगेट कर रहे थे अपने यूजर को। तो जब हम नेविगेट करते थे यूजर को, तो इस कार्ट और स्टेट आइटम डॉट आईडी पे हम इसको क्या कर देते थे, यूजर को नेविगेट करते थे। सो व्हाट आई कैन डू हियर कि अब मुझे लगाना है एड टू कार्ट, सो यस, तो हियर कार्ट में आइटम को ऐड करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। जब प्रोडक्ट आईडी हमें चाहिए होती है और उसकी क्वांटिटी चाहिए होती है, तो जब वो प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी मिलेगी तो हम उस क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी की करस्पॉन्डिंग एक एक्शन डिस्पैच करेंगे। तो जो मेरा बेसिकली ये यूआई दिख रहा है, अभी के लिए मान लो हमने 2 सेलेक्ट किया और अब हमने भेजा, तो यहाँ हमें शॉपिंग कार्ट दिख रहा है नेम, तो इसको थोड़ा सा डायनेमिक बना लेते हैं और इसके बाद ही हम हैंडल कर पाएंगे अपनी कार्ट पे। तो अब हमारा कार्ट कैसा दिखेगा, तो पहले हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे कार्ट के अंदर इस पार्ट पे अगर वही सेम प्रोडक्ट होगा, बार बार कोई बंदा क्या एड टू कार्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करता है तो वो टेबल में एक नया क्या बन जाएगा, एक नई एंट्री बन जाएगी। इज इट मेक सेंस, यस सर, नाइस। तो अब इसके पहले मैं अब एक बार पहले अपने कार्ट के पेजेस को थोड़ा सा सही कर देता हूं, जिससे क्या होगा कि हम चीजों को हैंडल कर पाए। तो यस, हमने आइटम डॉट फोटो हैंडल करा है, बट आइटम डॉट फोटो पे कुछ मिल नहीं रहा है। उसके पहले मुझे यहाँ पे हमने एक स्टैटिक प्रोडक्ट लिस्ट मैप कर दी है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जिस ऑब्जेक्ट में क्या होगा बताओ, आईडी शुड बी फोटो
कॉलम से ऐड कर रहे हैं, जो टॉप पे कॉलम दिख रहा है ना वो कॉलम है, तो कॉलम में हम क्या डाल देंगे बताओ, इमेज और मिनिमम वेट हम दे देंगे उसको, मैक्स मिनिमम वेट दे देंगे हम 100, ठीक है। अब ये तो बन गया, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या मैप कर रखा है, फोटो हमने मैप कर रखा है, और फोटो हमें यहाँ मिल भी रहा है ना, बट वो नेम के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा था। तो लेट मी रिफ्रेश माय वेब पेज, नेम आया बट फोटो नहीं आया, लेवल इमेज कॉलम्स मैप हो रही है, कॉलम्स डॉट लेवल और आइटम डॉट फोटो, तो 3, 4, 5 है, और आपके अंदर कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कम क्या हो रहा है, फोटो नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस, फोटो नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी और कैटेगरी, तो कैटेगरी भी हमें चाहिए क्या, यस कैटेगरी भी चाहिए, तो एक आइटम डॉट कैटेगरी, सॉरी यार हाँ कर दिया मैंने, प्राइस के आगे आइटम डॉट कैटेगरी डॉट नेम, सो लेट मी चेक कंसोल ब्राउजर व्हाट आई हैव, कुछ तो मिला होगा ना, ठीक है। इस सेल को मैंने कमेंट कर दिया और अब मुझे मिला होगा, अरे यार ये बंद हो जाओ, स्टेट आइटम डॉट कैटेगरी डॉट नेम, आइटम डॉट स्टेट डॉट आइटम डॉट कैटेगरी डॉट नेम, सो आइटम डॉट कैटेगरी CATEGORY डॉट नेम है भाई, है तो प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं है ना, ये अभी मैं स्टार्टिंग कह रहे भेज रहे हैं ना यहाँ से, तो कैटेगरी क्योंकि कैटेगरी डॉट नेम पे मैपिंग है, तो हम यहाँ पे नेम डाल देते हैं, नेम में हम डाल देते हैं व्हाट एक्सेसरीज, नो यस एवरीथिंग इज फाइन, यस अभी के लिए हमारे पास इमेज नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी और क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास आई थिंक इट इज नॉट अवेलेबल, तो इसलिए नहीं आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे, क्योंकि ये समझ पा रहे हो ना ये स्टैटिक एरे है, और वाई वी मेड स्टैटिक एरे बताओ, ये अभी हमारा डेटा फटे नहीं, अभी हमारा डेटा क्या नहीं हो फटे नहीं, फटे नहीं, बाद में जब हम एपीआई से डेटा लाएंगे तो मैपिंग करेंगे, तो यस तो ठीक है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ये चीजें हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक डिलीट आइकन भी रेंडर करना है, और उस डिलीट पे क्या होगा कि वो तुम शॉपिंग कार्ट से आइटम को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो हमने सब लगाया था ना डिलीट आइकन, रिमूव कर दिया था, हाँ रिमूव कर दिया था, तो मैं फिर से रख देता हूँ, और डिलीट आइकन should be inside a table row, you have table sale, और इसके अंदर तुम्हें चाहिए ये डिलीट आइकन, यस इट मेक्स सेंस, तो टेबल सेल डिलीट आइकन पे SX कर्सर व्हाट पॉइंटर,
रिफ्रेश द वेब पेज, यस ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले सबसे पहले इसका इमेज रेंडर करता हूँ, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, एक्सेसरीज होगा और कैटेगरी होगी और क्वांटिटी। अच्छा अब यहाँ पे हम क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी बताओ, ये वो क्वांटिटी होगी जो यूजर यहाँ सेलेक्ट कर रहा होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. क्या हम यहाँ पे उसको ओवरऑल क्वांटिटी थोड़ी दिखाएंगे, हम यहाँ ये क्वांटिटी दिखाएंगे जहाँ पे जितनी क्वांटिटी यूजर एड कर रहा होगा अपने कार्ट के अंदर। नाइस ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, ओके तो यहां तक तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट फॉर नाउ व्हाट आई कैन डू, इज सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका इमेज रेंडर करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कौन सा है। देखते होगे जब तुम ऐड टू कार्ट करते होगे तो उसका छोटा सा इमेज भी दिख रहा होता है, है ना? तो हमें सबसे पहले इमेज रेंडर करना होगा, तो हम उस इमेज के लिए व्हाट आई कैन डू हियर इज, हम ये फोटो से तो ला नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे एक इमेज सोर्स ऐड करनी पड़ेगी और वहां पे हम डायरेक्टली आइटम की सोर्स की आईडी दे देंगे, ठीक है? जैसे हमने कहा किया था प्रोडक्ट डिटेल्स वाली पेज पे करा था, हमने करा था ना स्टाइल इमेज, तो क्या हम ये स्टाइल इमेज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मिस्टेक की आइटम की क्या थी, आईडी तो चाहिए फोटो की आईडी, इस पे हमारी एपीआई बनी हुई है ना, ये एपीआई तुम अगर इसके बैकएंड में चेक करोगे तो ये एपीआई बनी हुई है, प्रोडक्ट पे जाओ देखो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट फोटो, और गेट प्रोडक्ट फोटो का अगर तुम राउट देखोगे तो यू हैव द कोरिस्पोंडिंग राउट एंड दिस इज योर राउट फोटो स्लैश प्रोडक्ट आईडी, यही है ना फोटो स्लैश प्रोडक्ट आईडी, समझ पा रहे हो? ये व्हाट इज दिस, ये भूल गए तो समझ लो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो टेबल सेल यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ टेबल सेल, आई एम रिटर्निंग अ टेबल सेल, बट इनसाइड अ टेबल सेल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस स्टाइल इमेज। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इम्पोर्ट दिस स्टाइल इमेज फ्रॉम अ स्टाइल कॉम्पोनेंट। Import what I have to import this styled image or styled image from styled, and yes everything is good, but yahan pe linting ka issue aayega, humne fix kar liya and now that's nice. ओके स्टेट तो है नहीं क्योंकि हमने अच्छा बट अभी के लिए ये काम नहीं करेगा, इसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक आईडी यहाँ पास करनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये जब हिट करेगा तो ये तो आइटम कहाँ से ला रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट से, और ये जो तुम्हारी प्रोडक्ट लिस्ट है ये तो एक स्टैटिक एरे है, तो अभी के लिए क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा, बट एक काम एक जुगाड़ लगा देंगे अभी के लिए, तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? हमें उस आइटम की आईडी भेज देनी होगी, अभी स्टैटिकली हम भेजेंगे, बाद में हम इसको डायनेमिक कर देंगे, बाद में ये रिमूव कर देंगे, और ये जो प्रोडक्ट लिस्ट आ रही होगी वो किससे आ रही होगी, ये प्रोडक्ट लिस्ट किससे आ रही होगी, एड टू कार्ट से आ रही होगी। यहाँ पे हमारी एड टू कार्ट पे एक एक्शन डिस्पैच होगा जो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का डिटेल्स लेके आएगा। थोड़ा समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा सा एक बार सा समझा दीजिए। अभी ये स्टैटिक एरे है, तो अभी इसको क्या आईडी तो वन मिलेगी, तो क्या आईडी वन पे कुछ एग्जिस्ट करता है इमेज? नहीं करता है ना, हमें तो प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, तो अभी के लिए मैं इसके अंदर आईडी डाल देता हूँ, बट बाद में जब मैं रिप्लेस करूंगा एड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी से, जब हम आइटम की डिटेल्स ला रहे होंगे डेटाबेस से, तो वो सबके लिए काम करेगा। तो अभी एक सिंगल बस यूजर की सिंगल इमेज के लिए मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारा यूआई कैसा दिख रहा है।
देन जब हम इसको डायनामिक करेंगे सारे सारी चीजों के लिए, तो वहां पे हम हैंडल करेंगे. सो व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन पास, कहां है भाई, स्टेट तो हमने हटा दिया है, लाइन नंबर 73 पे. अच्छा स्टेट हटा दिया है तो क्यों स्टेट है ही नहीं, सेव नहीं करा है क्या? हाँ सेव नहीं करा है. अच्छा देखो मिल तो रहा है बट ये आईडीपी इमेज कुछ ऐसा आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, मुझे एक पीछे बैक जाके स्टेट की उसकी आईडी उठा लेनी होगी. तो लेट मी रिफ्रेश एंड चेक माय कंसोल ब्राउजर. और अभी मैं क्या करूंगा, अरे भाई साहब कैटेगरी की आईडी मिल रही है इसमें, इसमें प्रोडक्ट की तो आईडी ही नहीं मिल रही है. प्रोडक्ट की आईडी नहीं मिल रही है क्या? कोई बात नहीं, तुम यूज पैराम से उसकी आईडी निकाल लेते हैं. उसकी आईडी हम कहां से निकालेंगे, पैराम से निकाल लेंगे. और मैं प्रोडक्ट डिटेल्स में आता हूँ, स्टेट डॉट मैं आइटम डॉट आईडी है तो स्टेट डॉट आइटम, स्टेट तो मिल रहा है तो आइटम की आईडी भी तो मिल रही होगी. तुम्हें कहीं आईडी दिख रही है क्या इसमें? हाँ दिख तो रही है यार, तुम्हें भी नहीं दिखता है. ये आईडी मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, किसमें, ऐड टू कार्ट की इस आईडी में, जिससे क्या होगा कि अभी के लिए वो फेच कर पाएगा इमेज. तो आईडी शुड बी स्ट्रिंग, ठीक है. ओ लेट मी चेक, जस्ट गो टू ऐड टू कार्ट, रिफ्रेश द पेज. ये आईडी से ठीक है बट इमेज क्यों नहीं आया, लेके इमेज तो लेके आना चाहिए इसको. क्या आईडी स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाई ये नहीं ले रहा है क्या? तो मैं एक बार इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ. बट आफ्टर नंबर ESLIN एंड और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल. बिल्कुल MongoDB में चेक करने दो, आइटम की आईडी कैसी है, ऑब्जेक्ट आईडी है, इट शुड बी स्ट्रिंग. कोई नहीं अभी के लिए काम नहीं भी करता है तो. अच्छा मैंने अंडरस्कोर आईडी लगा रखा है ना, दैट इज द प्रॉब्लम. तो मुझे अंडरस्कोर आईडी से कन्वर्ट कर देते हैं इसको. लेट मी चेक now, yes probably image should be shown. Yes you have the image दिख रहा है यहाँ पे. Yes sir. अब इसकी इमेज की हाइट को हम क्या कर देते हैं, कम. तो गोइंग इन साइड माई स्टाइल इमेज, अब मैं इस पर ज्यादा नहीं कुछ करूंगा क्योंकि ये स्टाइल इमेज कहीं और के लिए भी काम कर रहा है. इसके लिए मैं एसेट्स लगा दूंगा इस पे और मैं इसमें हाइट दे दूंगा कितना जितना मेरा मन करे. So 50 pixel and quick fix, fix all fixable problem. अगर मैं इसको 30 कर दूं तो let me check कितना है image size. Wait, SX नहीं पकड़ रहा है ना इस पे, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ इसको डायनामिक, अब देखो यहाँ पे मैं ना एक चीज डायनामिक कर देता हूँ क्योंकि स्टाइल्ड इमेज. अब देखो प्रॉब्लम, अब चैलेंज क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड वे में जाओगे तो. अब ये स्टाइल्ड इमेज हर जगह यूज हो रहा है, कहीं और भी यूज हो रहा है ना स्टाइल्ड इमेज, राइट. तो अब इसकी हाइट यहाँ 400 पिक्सल दी हुई है, इसकी हाइट 400 पिक्सल दी हुई है. सो नाउ what you can do
कि मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको डायनामिक कर देता हूँ। अब डायनामिक करने का फायदा क्या होगा कि व्हेन यू गो एंड जस्ट चेक समथिंग लाइक सो हाँ, तो जब तुम चेक करोगे इसके अंदर कि जब स्टाइल्ड इमेज अगर हम प्रॉप से पास करेंगे उतना लो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कितना लो, कितना लो 400 पिक्सल। इज इट मेक सेंस? यस। यस सर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यस। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, अगर ये चल जाए तो डॉलर और डॉलर 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 हाइट शुड बी ये हटाओ, 400 याद रखे रहना, डॉलर प्रॉप्स एंड डॉलर प्रॉप्स। तो लेट मी चेक वन थिंग। तो अगर मैं डॉलर प्रॉप्स करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इनकी प्रॉप्स मिल जाएगी क्या? तो जस्ट डू सम मेकिंग अ कॉल बैक। इफ आई एम मेकिंग दिस कॉल बैक देन प्रॉप्स डॉट व्हाट हाइट, if props dot height then props dot height otherwise 400 pixel may work, I am not sure about it but कर जाना चाहिए। तो मैं क्या किया, मैं अब क्या करता हूँ कि भैया मैं अगर props height में भेजूंगा तो वो height लो, otherwise by default कितना लो, 400 pixel लो। तो जिस कंपोनेंट से जहां पे भी जब तुम स्टडी में यूज करोगे अगर तुम हाइट नहीं भेजते हो तो वो कितना लेगा, 400 पिक्सल। अदरवाइज व्हाट हाइट इट इट वुड टेक द हाइट व्हिच यू हैव सेंड इन द प्रॉप्स। सो इफ आई एम गोइंग इनसाइड दिस एंड जस्ट पासिंग अ हाइट एंड दिस हाइट शुड बी समथिंग लाइक 25 पिक्सल। पासिंग एरर। अच्छा इसने करना चाहिए ना। अच्छा प्रॉप्स भेज रहे हो ना, प्रॉप्स ऐसे भेजोगे ना, ठीक है। मैंने हाइट कितना भेजा है, 25 पिक्सल भेजा है। अब मैं चेक करता हूँ, देखो ये पकड़ लिया, कितना कूल है। अब देखो यही स्टाइल इमेज दो जगह यूज हो रहा है, एक यहाँ यूज हो रहा है, एक प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे यूज हो रहा है। बट अगर प्रोडक्ट डिटेल्स पे तुमने हाइट नहीं भेजा है तो जिसको कितना पकड़ना चाहिए, 400 पिक्सल। और यहां से तुमने हाइट भेजा है तो यहाँ कितना पकड़ना चाहिए, यहाँ कितना पकड़ना चाहिए, 25 पिक्सल। अब एक सिंगल कंपोनेंट से तुमने बहुत जगह स्टाइलिंग तुम हैंडल कर लोगे, है ना। एक इतने लाइन ऑफ कोड से तुम्हें हाइट जहां भी चाहिए होगा उतनी हाइट यूज कर सकते हो। तो दैट इज द पावर ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अगर तुम सीएसएस से हैंडल करते तो तुम्हें एक दूसरी क्लास बनानी पड़ती है और उस क्लास में जाके तुम फिर सीएसएस चिपकाते हैं, और ऐसे कितनी जगह चिपकाते हैं। बट फॉर नाउ इफ यू आर हैंडलिंग विद दिस अप्रोच देन यू हैव टू डिफाइन ओनली वन प्लेस एंड यू यूज एज मल्टीपल टाइम्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। जस्ट यू हैव टू चेंज व्हाट हाइट। अगर कहीं पे 100 पिक्सल की हाइट चाहिए तो तुम उसको हाइट कितना भेज दोगे, 100 पिक्सल भेज दोगे। तो लेट मी चेक, अगर मैं यहाँ हाइट देखूंगा तो मुझे हाइट कितना मिल रहा है, हाइट कितना मिल रहा है देखो, 25 पिक्सल। बट यही मैं एक पेज पीछे जाता हूं। अब देखो, अब मैं यहां पे इसकी हाइट देता हूं तो मुझे हाइट कितना मिल रहा है, 400 पिक्सल। दिख रहा है? यस सर। तो ये बाय डिफॉल्ट उठा रहा है और वो वहां से प्रॉप्स के थ्रू उठा रहा है। यस। सो थोड़ी सी हाइट को 25 ना देके मैं कितना भेज देता हूँ, आई कैन सेंड 30 पिक्स, 35 पिक्सल। यस ठीक है। सो इमेज भी आ गया, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और अब ये डिलीट की फंक्शनैलिटी बाद में लगेगी,
अब तो ये हो गया, बट दिस इज ओनली हैंडलिंग हैंडल्ड फॉर सिंगल प्रोडक्ट. ये किसके लिए हैंडल हुआ है? सिर्फ एक आइटम के लिए, हमने प्रोडक्ट लिस्ट में डाल दिया था और वही मैप कर दिया है, और इसलिए करा है कि हमारा कोड फटे नहीं है एटलीस्ट अभी. जब हम इसको हैंडल कर लेंगे देन वी कैन गोइंग विथ व्हाट विद दिस विथ डिफरेंट अप्रोच. तो नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जहां पे हम ऐड टू कार्ट का सब कुछ बना रहे थे, एक्शंस बना रहे थे, वहां पे हमें एक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे. सो इफ यू गो इनसाइड एक्शंस, सो यस यू हैव समथिंग कॉल्ड एड टू कार्ट एंड यस यू हैव दिस थिंग const add to cart and dispatch. Okay, so for now what you are going to get is you are going to take, sir 950 ho raha hai. okay it's 950. ha to hum apne time pe hain, kehna ye chahti ho? leave karna chahti ho because okay ठीक है, 10 मिनट और 10 मिनट में फिर मैं उसको रैप अप करता हूँ. ओके सर, ठीक है. सो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर जब मैं ऐड टू कार्ट, जैसे इस ऐड टू कार्ट के पेज पे आऊंगा, मैं एक एपीआई हिट करूंगा. क्या करूंगा? एक एपीआई हिट करूंगा. एपीआई भी हिट नहीं करूंगा, मैं इसको रिडक्स से हैंडल करने जा रहा हूँ. एंड वी नो दैट कि हमें जो Add to cart की functionality है, इसको आप asynchronous भी बना सकते हो, synchronous भी बना सकते हो. It's totally depends on you. But add to cart को हम synchronously handle करेंगे. But इसके अंदर हमें detail भी तो चाहिए होगा ना कि add to cart पे कौन-कौन सी data है. जब भी कोई user आके इस button को click करेगा, तो इस page को पता होना चाहिए ना कि वो item क्या पहले से तुम्हारे add to cart में present है या नहीं है. If it is present, then quantity should be increased. And if the item is not added yet, then the new entry is been created, has been created inside an array. यही functionality implement करनी है ना हमें. समझ पा रहा मेरी बात को? What I want to say. So हमने add to cart import कर लिया है. अब हमें क्या करना है कि इस जो add to cart है, अभी इसको हम asynchronous बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये जो रिड्यूसर होगा ना, ये synchronously हैंडल हो रहा होगा, ये तुम्हारे अपने सिस्टम में हैंडल हो रहा होगा. बट इसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा कि जब भी कोई यूजर क्लिक करे, उस यूजर उस स्पेसिफिक आइटम का डेटा हमारे पास आ जाए. तो व्हाट आई कैन डू हियर इज I can provide a data as well. तो मुझे synchronous बनाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So what I can do when I dispatching the action, I will pass the item as well on that button. तो क्या इस button पे ये तो add to cart की पेज है, एड टू कार्ट पेज है, तो इस पेज पे उसका डेटा कैसे आएगा? तो सब अभी देखो प्रॉब्लम, एड टू कार्ट पे हमें उसका डेटा चाहिए है ना. तो व्हाट आई कैन डू, व्हाट कि उसकी आईडी के बिहाफ पे हम एपीआई हिट कर लेते हैं. लेट मी चेक व्हाट आई कैन डू. मेरे पास दो अप्रोच है इस चीज को भी हैंडल करने के लिए. फर्स्ट अप्रोच इज दैट कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, हम ये डेटा को पॉपुलेट कर दे. तो जब हम ऐड टू कार्ट पे जाते हैं, जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की आईडी आती है. इस प्रोडक्ट की आईडी के बिहाफ पे हम वो प्रोडक्ट की डिटेल को गेट करें, और उस प्रोडक्ट की डिटेल को गेट करके हम वो चीजें अपनी कार्ट में भेज दें. और कार्ट हमारा कहां से हैंडल हो रहा है? स्टोर से हैंडल हो रहा है. ठीक है, तो आई कैन डू वन थिंग. आई कैन पास अ आईडी फ्रॉम हियर. तो मैं क्या करता हूं,
अभी के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी कार्ट स्क्रीन है इसके अंदर मैं एक डिस्ट्रक्ट कर लेता हूं मैच को. एंड व्हाट आई कैन डू हियर फॉर मैच, कि हम इस मैच से क्या करेंगे कि प्रोडक्ट आईडी निकाल लेंगे. तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू व्हाट मैच डॉट एरर्स डॉट आईडी. इज इट मेक सेंस? लेट मी चेक कि आईडी गेट हो रही है कि नहीं हो रही है. सो कौन हम क्या कर रहे हैं पता है, जो ऊपर तुम्हें यूआरएल में आईडी मिल रही है ना उसको हमें गेट करना है. तो प्रोडक्ट आईडी, और एक बार मैं इस प्रोडक्ट आईडी को कंसोल करके चेक कर लेता हूँ यूआई पे कि कंसोल में ये प्रोडक्ट आईडी मिल भी रही है. तो यस अच्छा. तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने इसके राउट ऐप डॉट जेएस में क्या बना रखा है. तो ऐप डॉट जेएस में व्हेन यू आर कार्ड की आईडी है, आईडी तो है, मैंने आईडी तो लिया है वहां पे, ठीक है, तो आईडी तो मिलनी चाहिए. मैच डॉट पैरम्स डॉट आईडी. तो इशू क्या है, कैनॉट रीड अनडिफाइंड ऑफ पैरम्स, पैरम्स मैच इज अनडिफाइंड हियर. सो व्हाट यू कैन डू, कि मैच तो मिला नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि चलो हमारे पास दूसरा अप्रोच भी है, ये काम नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं यूज पैरम्स को, यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, सॉरी राउटर डॉम. और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ हुक, सो फर्स्टली यू हैव टू कॉल दिस हुक. सो कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल्स टू यूज पैरम्स की कॉलिंग, एंड नाउ यू कैन फाइंड दिस फ्रॉम पैरम्स. तो लेट मी चेक, और मैच को हटा देते हैं, तो कोई काम नहीं है, ठीक है. यस एंड नाउ यस यू हैव द प्रोडक्ट आईडी, व्हाट एवर दिस आईडी इज यू हैव रिसीव्ड इनसाइड दिस प्रोडक्ट आईडी विद द हेल्प ऑफ व्हाट दिस यूज पैरम्स. तो अब मुझे ये आईडी मिल गई है, अब मैं क्या करूंगा कि एक एक्शन डिस्पैच करूंगा अपने कार्ट स्क्रीन से. और वो एक्शन क्या करेगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी है तो उसकी प्रोडक्ट आईडी और उसकी क्वांटिटी को भेज दो. तो लास्ट में चीजें बस यहाँ पे हैंडल कर दूं कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा यूज डिस्पैच, एंड दिस इज फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, सॉरी व्हाट द हेल, यस ठीक है. एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यूज दिस कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, राइट. एंड सिंपली यू कैन यूज टू लाइक, यहाँ पे एक मैं प्रोडक्ट आईडी की कंसोल हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक यूज इफेक्ट लगाता हूँ, यूज इफेक्ट. एंड दिस यूज इफेक्ट शुड डू व्हाट, क्या करता है, मैं यहाँ पे चेक करा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये कब रेंडर होना चाहिए, ये इनिशियल डेटा लोडिंग पे. तो इसके डिपेंडेंसी एरे में क्या करना, पास क्या करना है कि जब भी ये प्रोडक्ट आईडी चेंज हो तब तक तुम्हें कॉल होना है. तो अरे यार, प्रोडक्ट आईडी एंड नाउ यहाँ पे तुम एक चेक लगा दो कि प्रोडक्ट आईडी, अगर ये प्रोडक्ट आईडी है तो तुम्हें क्या करना है, डिस्पैच. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डिस्पैच, यू हैव टू डिस्पैच एक्शन. तो इंपोर्ट
had to cut from where? From actions had to cut. Let me check. Had to cut. Yes. तो मैंने ये इंपोर्ट करा है तो मैं इसको डिस्पैच करता हूँ यहाँ से. ओके 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 एडमिन कैटेगरी. अरे यार कहाँ गया? ऐड टू कार्ट. यस ऐड टू कार्ट. सॉरी यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और ओके जस्ट रिमूव इट. तो यहाँ पर डिस्पैच कर दो ऐड टू कार्ट. और इसके अंदर तुम क्या भेज दोगे? ऐड टू कार्ट के अंदर बता बताओ क्या भेजोगे? ये प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. यू ओनली हैव टू इंपोर्ट दिस यूज इफेक्ट फॉर दिस एंड यस नाउ इट इज गुड. तो अब क्या कर रहे हो तुम? डिस्पैच कर रहे हो. ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि अभी आपका एड टू कार्ट का पूरा रिड्यूसर नहीं बना हुआ है. सो वी विल कंटिन्यू टुमारो ऑन डेट की जस्ट मेक इट रिड्यूसर. और वहां हम चेक लगाएंगे कि एड टू कार्ट पे कि भैया अगर ये पहले से ये प्रोडक्ट आईडी का आइटम आपके पास अवेलेबल है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, अदरवाइज अगर नहीं है तो एक नई एंट्री बना दो एरे के अंदर. इज इट मेक सेंस? हमें अल्टीमेट किसको रिप्लेस करना है? इस वाले एरे को रिप्लेस करना है किससे? तुम्हारे नए प्रोडक्ट, तुम्हारे नए कार्ड के डेटा से. इज इट क्लियर ना? यस सर. तो इस वाले एरे को हमको हमें रिप्लेस करना है नए वाले कार्ड से. तो वी आर जस्ट गोइंग टू इंटीग्रेट दिस थिंग टुमारो कि जब एड टू कार्ड क्लिक हो, डिस्पैच हो इनिशियल डेटा लोडिंग पे, मतलब जब भी तुम इस पेज पे आओगे. अभी ये काम नहीं कर रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा इशू है बिकॉज एड टू कार्ड पे हमने ये गलत तरीके से इंपोर्ट करा है बिकॉज वो कैपिटल था और ये भी हमारा पेज का भी नाम ये सेम है तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. तो हमें वहां पे चेंज करना पड़ेगा नेम. तो दैट्स इट. तो यस इट इज लाइक लिटिल बिट कल इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स कैसे हैंडल होते हैं. और वही भी होता है टू कार्ट हैंडल करने का. और साथ में हम यहाँ पे शिपिंग एड्रेस लेंगे यूजर का. एंड देन हम दोनों चीजें लेने के बाद या हम इसके बाद उसको शिपिंग एड्रेस वाले पे रिडायरेक्ट कर देंगे यूजर को. और उसके बाद हम वहां से हम पेमेंट गेटवे पे पहुंचेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस. सर कल की भी नहीं हुई थी. हाँ ठीक है. कल भी था सर. मन कुमार सिंह प्रेजेंट सर. विनय प्रताप सिंह प्रेजेंट सर. सागर मधोक यस सर प्रेजेंट सर. बराज संतोष. कोमल तिवारी प्रेजेंट सर. कल भी थी सर. कुमारजीत. चंदन कुमार. हिमांशी पराशर प्रेजेंट सर. कल भी थी. दुपाती प्रणव. भावना प्रेजेंट सर. कल भी थी. साक्षी देशमुख. जयकिशन पांडे. अफजल अकबर सर. अफजल अकबर सर. प्रकाश दास. यस सर. कल भी था. हेलो. हाँ व्हो इज दिस? सर मेरा ये लॉग आउट हो गया था. अफजल अकबर सर. ओके अफजल. आर यू सर? सुजॉय. सुजॉय. निखिल त्यागी. निखिल त्यागी.
आसिफ अनवर यस सर प्रेजेंट सर कल भी था मैं आशीष रॉय आशीष रॉय केशव प्रेजेंट सर विजयनाथ सिंह यस सर यस सर कल भी था सर ओके आशुतोष सिंह यस सर कल भी था संतोष शांतु रस्तोगी यस सर कल भी था मोहम्मद सालिद संतोष तिवारी संतोष तिवारी राहुल गेजवाल आशुतोष गुप्ता प्रेजेंट सर कल भी था सर निखिल रधकर प्रेजेंट सर कल भी था विद्या प्रेजेंट सर कल भी थी अथांग अथांग कुणाल सिंह राजपूत निमिष शर्मा सत्यजीत पांडा विपिन कुमार आयुष कुमार शाह ओके सो ओके गाइस सो सर या आशीष राय तो सर आपने बोला नहीं किसका आशीष राय और आशीष राय मैंने बोला तो होगा यार आशीष राय प्रेजेंट हो आप है ना जी ठीक है ओके ओके गाइस बाय बाय सर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट सर Thank you.